आप लोगों के रिक्वेस्ट और डिमांड पे बिल्कुल पाटलिपुत्रा स्टेशन के जस्ट सामने वाले मार्केट में बिल्कुल हम आपको ऑन रोड 20 फीट के रोड पे कॉर्नर प्लॉट देने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें बहुत ही अच्छा फ्रंट होने जा रहा है। उसमें दो लोग मिलकर ले सकते हैं मार्केट के लिए और रेसिडेंशियल ज़मीन के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। कमर्शियल या सेमी कमर्शियल तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको विस्तार में दे दी जाएगी। और चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़मीन मकान फ्लैट का वीडियो अलग अलग लोकेशन में देखते रहने के लिए काइंडली सब्सक्राइब कर दें। देख रहे हैं दोस्तों बिल्कुल रोड पे, ये आपको देख सकते हैं दोस्तों सेट किया हुआ ढड्डी लगा हुआ आपको जो प्लॉट दिखाई दे रहा है बिल्कुल ये कॉर्नर प्लॉट है। जी हाँ, देखिए फ्रंट कितना है, बहुत ही माकूल फ्रंट है दोस्तों। बिल्कुल फर्स्ट डे से लेके आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल स्टेशन के जस्ट सामने। जी हाँ, जस्ट सामने जो आपको सोसाइटी है उसी के अंदर में आपको ये सेमी कमर्शियल टुकड़ा हम देने जा रहे हैं। मार्केट वगैरह देखिए पूरा बना हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। मैं बता दूं दोस्तों ये 1.5 कट्ठे का प्लॉट है। जी हाँ दोस्तों, 1.5 कट्ठे का प्लॉट है। इसमें अच्छी बात यह है कि आप इसमें हाफ हाफ भी दो लोग मिल के ले सकते हैं या फिर सिंगल पर्सन ले सकते हैं। ये कॉर्नर प्लॉट है दोस्तों, इसके सामने की रोड की बात करें, एक साइड जो रोड मिलेगा आपको 20 फीट का मिलेगा और एक साइड का जो रोड मिलेगा वो आपको 16 फीट का चौड़ी सड़क है दोस्तों। इसके अगर फ्रंट की बात करें दोस्तों, इसमें जो फ्रंट बहुत ही अच्छा फ्रंट मिलने जा रहा है 47 फीट का। जी हाँ, 47 फीट का फ्रंट मिलने जा रहा है, वहीं डेप्थ मिलने जा रहा है 43 फीट का। वहीं अगर इसके फेसिंग की बात करें, इसका जो फेसिंग मिलेगा दोस्तों, एक साइड वेस्ट मिलेगा और एक मिलेगा नॉर्थ, यानी वेस्ट एंड नॉर्थ का कॉर्नर है। 1.5 कट्ठे का प्लॉट है, 47x43 वेस्ट एंड नॉर्थ का कॉर्नर आपको मिलने जा रहा है, बिल्कुल स्टेशन से चंद कदम की दूरी पे है। देख सकते हैं पूरा मार्केट वगैरह बहुत ही रनिंग मार्केट है दोस्तों, माहौल बहुत ही अच्छा का है यहाँ पे दोस्तों। इसलिए अगर ये प्लॉट आपको पसंद आ रहा है और आप इसकी विजिट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।